हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है एलविश यादव और मनीषा रानी के रिलेटेड। तो मनीषा रानी ने जो एलविश यादव को अनफॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम पे, उसी के बारे में जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो वो ये बोलते हुए दिखे कि उनको पता भी नहीं था कि मनीषा रानी ने उनको अनफॉलो कर दिया और उनको किसी और से पता लगा। जहाँ वो ये बोलते हुए दिखे कि उनको ये बच्चों वाली हरकतें लगती है फॉलो अनफॉलो ब्लॉक करना। तो आपके ख्याल इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। वहीं एलविश यादव अपने ट्वीट के थ्रू ट्रोल करते हुए दिखे अंजलि अरोरा को, जहाँ उन्होंने एक ट्वीट किया था जो मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच था उसके रिलेटेड, जहाँ सनराइजर्स हैदराबाद ने 277 स्कोर कर दिया था। तो इसी पर उन्होंने ये ट्वीट किया, आज मुंबई को सिर्फ अंजलियंस बचा सकते हैं। जहाँ इसी पर रिप्लाई करते हुए अंजलि अरोरा ने ये ट्वीट किया था, लुक्स लाइक वी गॉट लेट #अंजलियंस #अंजलि अरोरा। तो आपके ख्याल इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है मुनावर फारूकी के रिलेटेड। तो जो मुनावर फारूकी को अरेस्ट कर लिया गया था मुंबई पुलिस की तरफ से हुक्का बार में, जहां उसी के रिलेटेड ये बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस की तरफ से बुलाया जा सकता है मुनावर फारूकी को पूछताछ के लिए। तो आपके ख्याल इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। वहीं जो मुनावर फारूकी को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, जो उनको अरेस्ट कर लिया गया था मुंबई पुलिस की तरफ से, उसी के रिलेटेड मुनावर फारूकी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डालते हुए दिखे, जहाँ उन्होंने ये लिखा था, तेरा प्यार प्यार प्यार। अगर आपको नहीं समझ में आया कि उन्होंने ये क्या लिखा है, तो अक्षय कुमार का एक फेमस सॉन्ग है हुक्का बार करके, उसी का रिलेटेड उन्होंने रेफरेंस दिया। तो आपके ख्याल इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना।